हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स मैथ्स वर्क नाम की बुक से, जिसे पब्लिश किया है विद्या प्रकाशन मंडल ने। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑपोजिशन ऑफ एन इंटीजर के बारे में, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग बोर्ड मास, ऑर्डरिंग इंटीजर्स, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3 एंड होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3। तो जो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन होता है और होल नंबर्स का कलेक्शन होता है, उसे इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स आर -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। द साइन बिफोर द नंबर इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन टू द राइट और लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन हमें पता है कैसे ड्रॉ करते हैं, तो जो उसके आगे का साइन होता है वो शो करता है कि ये कौन से डायरेक्शन में नंबर लाइन पे हमें इसे प्लॉट करना है। जैसे When we write +4, thus plus sign indicate that the number is to the right hand side of the zero. और अगर हम minus sign लगाते हैं, जैसे for example -8, तो ये कहाँ जाएगा number line पे? Left hand side पे, opposite of an integer. अगला topic. The opposite of an integer is the integer which is at the same distance from zero, but in the opposite direction on the number line. Zero से उसका distance same है, जैसे 0 से 1, लेकिन ये opposite direction में क्या जाएगा? -1. 0 से 2 का भी सेम डिस्टेंस है, -2 का भी सेम डिस्टेंस है। जैसे -6 एंड 6, -5 एंड 5, दीज आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड द नंबर ऑन द नंबर लाइन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिकल बार। ये वर्टिकल बार ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू -5 की क्या होगी? 5। -17 की क्या है? 17। -215 की एब्सोल्यूट क्या हो जाएगी? ये माइनस साइन हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पर ये माइनस साइन हमें लिखना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 25 प्लस ब्रैकेट माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 250 और माइनस ये बार के अंदर 519। इसका सॉल्यूशन होगा, ये -25 साइन हट जाएगा, 25 आ जाएगा, ये माइनस ये बार के अंदर का साइन हटा देंगे, लेकिन यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो यहाँ -250 आएगा, सेम वे में -519। इसे सॉल्व करने के बाद क्या जाएगा? -744। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, प्लस प्लस, दो प्लस का साइन अगर होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। एक प्लस माइनस का साइन क्या हो जाएगा? तो माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। जिस नंबर का साइन बड़ा होगा वो आएगा। माइनस प्लस में अगेन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस माइनस में साइन क्या आएगा? माइनस। अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अ नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन विद इवनली स्पेस्ड पॉइंट्स मार्क्ड ऑन इट। एक सीधी लाइन बनाएंगे, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए एक सीधी लाइन है, सेंटर में हम जीरो रखेंगे और इक्वल डिस्टेंस, बराबर का डिस्टेंस होगा, और हम इसमें पॉजिटिव इंटीजर मार्क करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट हैंड साइड में, और नेगेटिव मार्क करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर ग्रेटर देन 0, ऑल नेगेटिव इंटीजर आर लेस देन 0। फॉर कंपेयरिंग पॉजिटिव इंटीजर, द ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू द ग्रेटर इज द इंटीजर। जितना ज्यादा एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा बड़ा होगा इंटीजर। फॉर कंपेयरिंग नेगेटिव इंटीजर, द ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू द स्मॉलर इज द इंटीजर। इसे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। अरेंज द इंटीजर -15, +321, -89, +9, -29, 297, +48 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा। फॉर पॉजिटिव इंटीजर, द ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होगी पॉजिटिव इंटीजर में, वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं 321, फिर 48, फिर 9, ये बड़े हैं। अब नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव इंटीजर में जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होगी वो उतना ही छोटा होगा। तो नेगेटिव इंटीजर हमारे कौन कौन से हैं? -297, -89 और -15। तो सबसे छोटा कौन सा है? -297, फिर है -89 और फिर है -15। और पहला हमने पढ़ा था कि एज ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर नेगेटिव इंटीजर्स, तो हियर इट इज, ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज है। अब आते हैं ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स पे, एडिशन ऑफ इंटीजर।
दो इंटीजर को ऐड करेंगे विद द सेम साइन, सिंपली ऐड देयर ऐड वैल्यू। जब हमें दो इंटीजर को सेम साइन में ऐड, सेम साइन वाले दो इंटीजर को ऐड करना है तो उनकी वैल्यूज को ऐड करेंगे और फिर हमें इसका सम मिल जाएगा। एक इंटीजर पॉजिटिव साइन का है, एक माइनस साइन का है, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड पुट द साइन ऑफ द लार्ज नंबर। उनके एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे और फिर जो बड़े साइन बड़ा साइन होगा वो हम लिखेंगे। एट द फॉलोइंग इंटीजर, जैसे ये है 43 एंड 16, सेम साइन है तो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस 12 एंड माइनस 16 को हमें ऐड करना है, माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया, 12 प्लस 16 सेम साइन है, 828 है और इसमें बड़े नंबर का साइन हमने लगा दिया, कॉमन साइन। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पे। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, ए एंड बी दो इंटीजर्स है तो ए प्लस बी विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। 7 + 3 is equal to 10, example. Commutative property, a and b are two integers, a plus b is equal to b plus a. Associative property, a, b और c तीन इंटीजर हैं, तो a को अगर हम ऐड करेंगे b plus c से ब्रैकेट में रखने के बाद तो इसका सम बिल्कुल सेम आएगा अगर हम फर्स्ट टू नंबर्स को ऐड करेंगे विथ c, थर्ड नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज एडेड टू एनी इंटीजर द वैल्यू ऑफ इंटीजर विल नॉट चेंज। 12 में हमने जीरो ऐड किया तो वैल्यू क्या रही 12। एडिटिव इनवर्स, एन इंटीजर इज एडेड टू इट इट्स अपोजिट, वी गेट द रिजल्ट जीरो। जैसे 2 में हमने पॉजिटिव इंटीजर है 2, उसमें हमने माइनस 2 ऐड किया, उसका अपोजिट का आंसर क्या मिला हमें 0। आइडेंटिटिव प्रॉपर्टी, अगर हम a में 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, किसी इंटीजर में वो इंटीजर आ जाएगा। फिर 0 को अगर हम उसकी प्लेस चेंज करेंगे और इंटीजर में ऐड करेंगे तो सेम नंबर सेम इंटीजर आएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर, -3 फ्रॉम 7, सेम 7 को आगे रखेंगे, 7 से करना है माइनस करना है, -3 लगाया, साइन साइन प्लस हो गया, माइनस माइनस दिस विल बी n। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, दो इंटीजर हैं a और b, a माइनस b विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, इनको माइनस करने पे हमें इंटीजर ही मिलेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दोनों a और b इंटीजर्स हैं लेकिन a माइनस बी विल नॉट बी ऑलवेज बी इक्वल टू बी माइनस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स, ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट टू को माइनस करेंगे c से तो इट विल नॉट बी इक्वल टू, ये जरूरी नहीं कि बराबर हो सेकेंड माइनस थर्ड और फिर उसको a से माइनस अगर हम करें तो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर, अगर जीरो को हम किसी इंटीजर से माइनस करेंगे तो हमें वो इंटीजर ही मिलेगा। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन इंटीजर पर, ये हमें मल्टीप्लाई करना है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ए एंड बी दो इंटीजर्स हैं तो ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर ही मिलेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पोजिशन चेंज करने के बाद भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर, तीन इंटीजर्स हैं तो ए को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड और थर्ड इंटीजर से तो इसका आंसर सेम आएगा जब हम फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड से। जैसे एग्जांपल है 3 × 4 × 5, इसका आंसर है 60, तो अगर हम 3 को 4 और 5 को ब्रैकेट में रख के भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 60। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड वन गिव्स द सेम इंटीजर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, the product of any integer and its reciprocal gives the result as 1. जैसे a है, उसका reciprocal क्या हो जाएगा 1 का, ये multiply करेंगे तो answer क्या आ जाएगा 1. अब आते हैं division पे और इसकी properties पे। closure property division में apply नहीं होती है, ठीक है। जैसे 12/3, 4 पे integer है, -6/2, -3 इट इज एन इंटीजर, 7/3 क्या हो जाएगा 7/3 जो कि इंटीजर नहीं है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 जो कि इंटीजर नहीं है। अब आते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे, a एंड b आर टू इंटीजर्स, देन a डिवाइड बाय b विल नॉट बी इक्वल टू b डिवाइड बाय a। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीन इंटीजर है a, b, c, तो अगर हम a और b को आपस में डिवाइड करेंगे पहले और फिर c से डिवाइड करेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं होगा अगर हम b और c को पहले डिवाइड करेंगे और a से डिवाइड करेंगे बाद। ये से रिलेटेड एक्सरसाइज आ गई।
अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग बॉड मास। बॉड मास हमने, बॉड मास का मतलब क्या होता है, बी से ब्रैकेट, ऑफ ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन। प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 15 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 इंटू 4 माइनस 9। तो हम इसमें बॉड मास का स्टेप लगाएंगे। सबसे पहले होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ है नहीं, फिर है ऑफ, ऑफ भी नहीं है, फिर है डिवाइड। तो हमने ये सबसे पहले हमने डिवाइड का करा 5, बाकी को एज इट इज लिखना है। डिवाइड के बाद अगला स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम ये 8 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 32, माइनस 9 को हम एज इट इज लिखेंगे, फिर है एडिशन। तो 32 प्लस 5 एड करेंगे आ जाएगा 37, माइनस 9 एज इट इज रखेंगे, लास्ट है सब्ट्रैक्शन, वो हम करेंगे, आंसर इज 28। ये एक्सरसाइज है एंड आई होप कि आप इसकी मदद से रिवीजन एक्सरसाइज और बाकी के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।